Good morning, students. We will continue Why I Am Not a Hindu by Kanchan Laya. Now, up till now, we have read that the Dalit Bahujan Samaj felt as if the Hindus were kind of preposterous and were forcing them in the Brahmanical ways, especially as a student. This Dalit boy who is writing his autobiography here is actually full of dissent against the Brahmanical ways of teaching. How the upper caste children are privileged and how the Dalit boys and girls kind of feel alienated with the teachings, with the teachings of the gurus, the teachers in the schools. If the teacher is an upper caste himself, then he kind of feels as if he has been burdened with teaching these shudras in this Kali Yuga. So they face a lot of prejudice, they face a lot of bias from these teachers of the upper caste, and therefore this boy is kind of penning his thoughts down and complaining, why should he call himself a Hindu when he does not feel like a Hindu, because the Hindu gods are not his, he has different gods, he comes from a different culture. For him, Telugu and English hold the same level of difficulty. The Telugu he speaks, the language of communication and production, is not the language of the textbooks. So in continuation, we read page 225 now. In the olden days, after such initiation, the so-called upper castes used to send their sons to Gurukuls, that is the Brahmanical schools. Now, we were talking about Upanayan Sanskar in the last video, and that is a kind of a ceremony which initiates a Hindu boy into the religion, actually. So, and then from that day onwards, they wear a white thread on their bodies, and therefore they are called twice born or dwij in Hindi. So he says he would have loved that ceremony at the age of 7 or 8 maybe, because it would have made him a focal point of a ceremony. वो किसी एक जश्न का फोकल पॉइंट होता तो उसे अच्छा लगता, या उसके स्वाभिमान के लिए अच्छा होता, या उसके आत्मविश्वास के लिए वो बहुत अच्छा होता. लेकिन 10-12 साल की उम्र के बाद उसको जब ज्ञान हो जाता कि इससे कुछ होने वाला नहीं है, या वो भिन्न है उन ब्राह्मण बच्चों से, और केवल धागा मात्र पहन लेने से उसकी पहचान नहीं बदल जाएगी, तो शायद वो भी उतार फेंकता. पुराने ज़मानों में ये होता था, ओल्डन डेज में, कि इस इनिशिएशन सेरेमनी के बाद बच्चों को गुरुकुल्स में भेज दिया जाता था. बेटों को, बच्चों को नहीं, बेटों को, अपने सन्स को वो गुरुकुल भेजते थे जो कि ब्राह्मणिकल स्कूल्स थे. नाउ दे सेंड देम टू इंग्लिश मीडियम कॉन्वेंट स्कूल्स. और अब आजकल क्या करते हैं, आजकल हम बच्चों को अंग्रेजी मीडियम कॉन्वेंट स्कूल्स में भेजते हैं, द वेरी स्कूल्स दैट वर हेटेड बाय द सेम हिंदूज ड्यूरिंग द फ्रीडम स्ट्रगल. और ये वही स्कूल हैं जिनको फ्रीडम स्ट्रगल के दौरान, या आज़ादी का संघर्ष जब चल रहा था हमारे देश में, तो इनसे नफरत की जाती थी कि अंग्रेज़ों से रिलेटेड कोई भी चीज़ कुछ ना हम ना यूज़ करें, ना हम उन स्कूल कॉलेजों में बच्चों को पढ़ने भेजें. इवन इन द 1990s, हिंदुत्व आइडियोलॉजीज कंटेम्प सच स्कूल्स एज एंटी हिंदुत्व स्कूल्स. 1919 में भी अगर आप देखें कि हिंदुत्व की जो विचारधारा थी, जो हिंदुत्व कहते हैं अपने आप को हिंदू, वो कंडेम करते थे, यानी भत्सना करते थे कैसे स्कूलों की, जिनको अंग्रेजी मीडियम कॉन्वेंट स्कूल कहा जाता है, और इन्हें एंटी हिंदुत्व या हिंदुत्व विरोधी स्कूल माना जाता था. ऑफ कोर्स ओनली टू सेंड देयर चिल्ड्रन इनटू द सेम स्कूल प्रॉम्प्टली आफ्टर द उपनयन. लेकिन ये जो भत्सना करने वाले सो कॉल्ड हिंदुत्व के कर्ता धर्ता थे,
या आइडियोलॉजी फॉलो कराने वाले लोग थे जो इन दोनों दूसरों को इम्पोज करते थे, वही तुरंत उपनयन संस्कार करते ही अपने बच्चों को इन्हीं स्कूलों में भेज दिया करते थे। द हिंदूज कंडेम इंग्लिश येट दे सेंड देयर चिल्ड्रन टू इंग्लिश मीडियम स्कूल्स। हिंदू जो हैं वो हमेशा से अंग्रेज़ी भाषा के विरोधी रहे हैं, अंग्रेज़ी भाषा को वो अंग्रेज़ ही मानते हैं और फिर भी वो अंग्रेज अपने बच्चों को अंग्रेज़ी के मीडियम स्कूल में भेजते हैं। वी हैव नॉट येट एक्वायर्ड द कॉन्शियसनेस टू कंडेम द कम्प्लीट डोमिनेशन ऑफ तेलुगु मीडियम स्कूल्स बाय द हिंदू स्क्रिप्चर्स। अभी तो हमने इतना तो ज्ञान ही प्राप्त नहीं किया है, इतनी डेवलपमेंट तो हमारे अंदर हुई ही नहीं है कि हम कंप्लीट डोमिनेशन ऑफ तेलुगु मीडियम स्कूल्स बाय द हिंदू स्क्रिप्चर्स करें, कि हिंदू स्क्रिप्चर्स ही पढ़ाए जाते हैं और तेलुगु मीडियम स्कूल्स में उनका विरोध करने की तो अभी अंदर हमारे अंदर ज्ञान ही प्राप्त नहीं हुआ, अभी तो हम अंग्रेज़ी पे ही अटके हुए हैं। Having had no alternative, we send our children to schools that teach only the Puranas or the epics in every textbook. जब हमारे पास कोई दूसरा रास्ता ही नहीं है तो हम मजबूर होकर अपने बच्चों को ऐसे ही स्कूलों में भेजते हैं जहाँ वेद पुराण पढ़ाए जाते हैं, हर टेक्स्ट बुक उन्हीं पुरानों की होती है। दिस इज़ अ पैराडॉक्स एंड वी लिव विद मैनी सच पैराडॉक्स। और यही एक पैराडॉक्स है, ये कितना विरोधाभास है, लेकिन हम ऐसे पैराडॉक्सेस के साथ ही जीते हैं। व्हेन वी वर टोल्ड दैट हिंदू गर्ल्स एंड बॉयज़ वर मैरिड इवन व्हेन दे वर चिल्ड्रन, वी थॉट ऑफ दीज प्रैक्टिसेस एज फैमिलियर सिंस चाइल्ड मैरिज वाज आल्सो पार्ट ऑफ आवर लाइफ्स। जब हमें बताया गया कि हिंदू बच्चों की, लड़के लड़कियों की शादी जो है, विवाह जो है, वो बचपन में ही हो जाया करता है, तो हमें लगा हाँ ठीक है, क्योंकि ये हमारे भी समाज में होता है, यानी बचपन में ही विवाह हो जाता था, तो चाइल्ड मैरिज वाज पार्ट ऑफ आवर लाइव्स आल्सो। सो वी थॉट दैट दीज प्रैक्टिसेस वर फैमिलियर, यानी ये पहचानी हुई थी, ये जानी हुई थी। बट व्हेन वी रेड इन द टेक्स्ट बुक्स दैट द गर्ल्स हुज हस्बैंड्स डाइड मस्ट रिमेन विडोज एंड हैव देयर हेड्स शेव्ड, दैट दे वर टू बी क्लैड ओनली इन वाइट, वी फाउंड इट स्ट्रेंज। लेकिन जब हमें ये बताया गया, ये टेक्स्ट बुक्स में पढ़ाया गया, जब हमने ये पढ़ा कि लड़कियां जो हैं, बच्चियां जिनके हस्बैंड की डेथ हो जाती थी या जो विधवा हो जाती थी बहुत कम उम्र में ही, तो उनके सर मुंडा दिए जाते थे या फिर उन्हें केवल सफ़ेद पहनाया जाता था, तो ये हमें बहुत स्ट्रेंज लगा, अद्भुत लगा, मतलब ये ऐसा क्यों। इन आर फैमिलीज गर्ल्स हुज इन लॉज डिड नॉट लुक आफ्टर देम वेल गॉट डिवोर्स्ड वेरी इजीली एंड विद इन डेज सेकेंड हस्बैंड वर फाउंड फॉर देम। क्योंकि हमारे परिवारों में तो अगर लड़की अपने ससुराल में खुश नहीं है या ससुराल वाले उसका ध्यान नहीं रख रहे हैं, तो वो बहुत आसानी से तलाक ले लेती थी और बहुत जल्द ही उसके लिए दूसरा पति ढूंढ लिया जाता था। While marriages take place at home and are celebrated with one type of meal and drink, divorces also take place with food and drink. और बहुजन समाज में तो अगर विवाह का सेलिब्रेशन होता है कि घर पर ही शादी हो जाती है और एक ख़ास तरीके का खाना और दारू चलती है, तो वहाँ पे तलाक भी उसी तरीके से सेलिब्रेट किया जाता है भोजन और दारू के साथ। Seeking divorce from an irresponsible husband is as much a sanctioned social act as performing marriages. और इस समाज में डिवोर्स लेना किसी एक irresponsible या जो जिम्मेदार नहीं है, गैर जिम्मेदार हस्बैंड से, वो भी उतना ही सामाजिक कृत है जितना कि विवाह। In my childhood, when I read about Savitri struggling against the death of her husband because otherwise she would become a widow, I was very happy that our women do not have to struggle like her. और जब बचपन में मैंने सावित्री की कहानी पढ़ी जिसने यमराज से लड़कर अपने पति को बचाया था, और ये पता लगा कि उसने इसलिए ऐसा किया क्योंकि वो विधवा का जीवन नहीं जीना चाहती थी, तो मुझे लगा कि अच्छा ही है, खुशी हुई ये जानकर कि हमारे समाज में महिलाओं को ये सब नहीं सहना पड़ता। सिमिलरली व्हेन वी रीड that Hindu women ought to die along with their dead husbands, I was extremely happy that our women do not have to die like that. ठीक इसी तरह जब मैंने ये पढ़ा कि हिंदू महिलाओं को
अपने मृत पति के साथ जला दिया जाता था या मार दिया जाता था, तो मुझे बड़ी खुशी हुई ये जानकर, ये सोचकर कि मैं एक ऐसे समाज का हिस्सा हूँ जहाँ महिलाओं के साथ ऐसा अत्याचार नहीं होता। I was so glad that we do not belong to such a religion, because if suddenly my father were to die, my mother would not have to die also. और मैं ये सोचकर बहुत प्रसन्न हुआ कि मान लो कि अचानक अगर मेरे पिता की मृत्यु हो जाए तो मेरी माँ को उसके साथ मरना नहीं होगा। मैं एक ऐसे धर्म से आता हूँ जहाँ महिला को केवल अपने पति से नहीं पहचाना जाता, उसे भी एक इंसान समझा जाता है। इफ़ शी सो डिज़ायर्ड शी कुड गेट मी अ स्टेप फादर, और अगर माँ की इच्छा है तो वो मेरे लिए एक दूसरा पिता ला सकती है। वॉट अबाउट हिस्ट्री टेक्स्ट बुक्स एंड तेलुगु टेक्स्ट बुक्स ने टोल्ड अ स्टोरी आफ्टर स्टोरी अबाउट वेमेन हु कमिटेड सती, बट देर वॉज नॉट अ सिंगल लेसन अबाउट अ वुमन हु स्टिल लिव्ड आफ्टर देर हस्बेंड्स डेथ, हु वर्क ब्रॉट अप देर चिल्ड्रन एंड गॉट देम मैरिड। हम अपनी हिस्ट्री की किताबें देख लें, तेलुगु की किताबें देख लें, हर किताब में कहानी दर कहानी हम यही पढ़ते हैं कि इनके बारे में, ऐसी महिलाओं के बारे में जो सती हो गई अपने पति के साथ। कोई एक भी पाठ ऐसा नहीं पढ़ा हमने अपने इतिहास में, इतिहास की किताबों में, तेलुगु किताबों में, कि जहाँ बताया गया हो कि पति की मृत्यु के बाद महिला जीती रही और उसने कैसे मेहनत करके अपने बच्चों को बड़ा किया या उनका विवाह किया, ऐसा कहीं पर भी पढ़ने के लिए हम नहीं पाते हैं। तो ये जो विडंबनाएं हैं और ये जो पैराडॉक्सेस हैं और हिंदू समाज की जो परंपराएं हैं, वो लेखक को मजबूर करती हैं कहलाने के लिए कि वो हिंदू नहीं है, वो हिंदू नहीं बनना चाहता, वो दलित समाज में रहते हुए भी अपने आप को हिंदू से बेहतर समझता है, क्योंकि उसे ऐसा लग रहा है। यहाँ पे पढ़कर हम यही जान पा रहे हैं कि वो ये मान रहा है कि दलित होते हुए भी उसका समाज जो है बड़ा ब्रॉड माइंडेड है, यानी सोच बहुत विकसित है उनकी, वो हर किसी को और विशेष तौर पे महिलाओं को, बच्चियों को इतनी आज़ादी देता है ये समाज जो हिंदू भी नहीं देते, जो हिंदू पढ़ने के नाम पर अपने आप को बहुत विकसित मानते हैं या अपने आप को बहुत ज्ञानी मानते हैं, वो भी औरतों को ना तो पढ़ने का मौका देते हैं, बचपन में विवाह भी कर रहे हैं, विधवा विवाह नहीं हो रहा है, बच्चियों को सती होना पड़ रहा है, पति के वजह से ही उनका वजूद माना जाता है, पिता या पति या भाई, उसके बिना किसी महिला की कोई अहमियत ही नहीं है। तो ऐसे समाज का हिस्सा वो बनना नहीं चाहता, और इसीलिए बार बार लेखक कहता है मैं हिंदू नहीं हूँ।